बीती रात खातेगांव तहसील के कुछ लोगों ने हरणगांव थाने पर अचानक हमला कर दिया। नशे में धुत लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही थाने पर तोड़फोड़ भी कर दी। फिर यहीं नहीं रुके, पुलिस के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। पुलिस बल ने अपनी जान बचाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर होकर गेट बंद किया। उसके बाद भी गेट तोड़ने का प्रयास किया, थाने के लगे हुए लाइट फोड़ दिए और पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा। थाना प्रभारी हरणगांव अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि हमने SC ST एक्ट के आरोपी अभिषेक मीणा को अभिरक्षा में रखा गया था। इसी दौरान करीब रात 10:30 बजे के लगभग अपराध सदर की पीड़िता के पति अर्जुन आदिवासी, उनके साथी पीड़िता के दो भाई और अन्य व्यक्ति हाथ में पत्थर एवं लाठी डंडे लेकर थाने के सामने आ गए और चिल्ला चोट कर बोले कि मुजरिम को बाहर निकालो, हम अभी उसे जान से खत्म करेंगे, कानून उसे सजा नहीं देगा, उसे सजा हम देंगे और अगर पुलिस बीच में आई तो हम पुलिस को भी मारेंगे। उसके बाद जब कन्नौज खातेगांव नेमावर देवास के पुलिस बल आने की खबर फैली तो सभी लोग भाग गए। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। थाना हरणगांव में कल एक घटना को लेकर कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली तथा पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया, जिस पर हमने सरकारी काम में बाधा का और बलवा का अपराध दर्ज किया है। जो भी लोग इसमें चिन्हित हैं उनके खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने पुलिस के साथ झूमाझटकी की है या सरकारी काम में बाधा डाली है उनके खिलाफ हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।